नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4। लास्ट 3 पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें हम लोगों ने बात करी थी प्रेजेंट, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की एंड परफेक्ट की, और पास्ट इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की एंड परफेक्ट की। तो 3 वीडियो में हमने 2 में क्या बनाया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, और पहले वाले में ये हो गया, दूसरे वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, और तीसरे वाले में प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। बट आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात होगी इम्परेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि एक इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप क्या पहचान करेंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान करना, उसमें सेकेंड फॉर्म आ जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको क्या पहचान होना है, उसमें एम या इज या आर आ जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाता है, वास या वर आ जाता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैस या हैव आता है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आ जाता है। बट अगर हम बात करें कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान में इसमें आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। इसकी शुरुआत में मतलब स्टार्ट, जो सेंटेंस का स्टार्ट होता है वो किससे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो ये तो हो गई पहचान की बात। अगर इसमें बात करे जाए कि इसमें किस तरह के मतलब जो साउंड होते हैं, मतलब किस तरह के इसके अंदर सेंटेंसेस आते हैं, उनका सेंस क्या होता है, तो आप समझिएगा कि इसके अंदर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट करी जाती है, एंड सजेशन दिया जाता है, और एडवाइस। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर सेंस आते हैं। ऑर्डर का सेंस होता है, रिक्वेस्ट का होता है, सजेशन का होता है, एंड एडवाइस का होता है। तो अब हम जब इसको बनाने की बात करते हैं, तो पैटर्न तो आपने देख ही लिया किसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो ये होता है। लेकिन सबके लिए अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है। शुरुआत कोई भी हो सेंटेंस, और अगर रिक्वेस्ट की बात होती है तो इसकी शुरुआत में क्या लिखा होता है, प्लीज़ लिखा होता है। तो आप पहचान लेंगे, ऑर्डर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ होगी, सेशन और ये सेशन और एडवाइस का मतलब होता है सलाह एंड सुझाव। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे इसके अंदर सलाह और सुझाव की बात हो रही है, तो सजेशन एंड एडवाइस की बात होती है। तो चारों ही तरीके हैं इसके अंदर, चारों को ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो पहले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। लेट स्टार्ट। ऑर्डर, अगर सेंटेंस के अंदर ऑर्डर की बात हो रही है, तो इसको बनाने का जो पहले तो इसका पैटर्न देख लीजिए, क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर कैसे होते हैं, जैसे कि गेट आउट हो गया, ठीक है, स्टॉप द बस हो गया, और हम लोग क्या कहते हैं, शट अप हो गया, शट अप हो गया, और इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर देते हैं, ऐसे कम इन हो गया, ठीक है, राइट द लेटर हो गया, तो इस तरह से ये सारे ऑर्डर्स की बात करते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे, तो आपको हमने बता दिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू, वो क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, और यहाँ पे हम यू लिखते नहीं हैं, बट होता है, लेकिन वो कैसा रहता है, हमेशा छिपा हुआ रहता है। और जब हम इसको बनाएंगे, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, और जब इसको पैसिव वॉइस से बनाएंगे, तो शुरुआत में क्या लिख देंगे हम, लेट। शुरुआत में क्या लिख देंगे, लेट। लेट के बाद क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमको, बी, और बी के बाद हमको लिखना होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में बाई यू ही लगाते हैं, क्योंकि और भी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा यू ही होता है, वो छिपा हुआ रहता है, लेकिन जब इसको पैसिव में बनाते हैं तो यू लगा देते हैं। चलिए देखें कैसे।
जैसे राइट ए लेटर, ये एक सेंटेंस है, राइट ए लेटर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब की शुरुआत में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो राइट इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड अ लेटर, लेटर इज अ ऑब्जेक्ट, तो जब हम इसको बनाएंगे तो शुरुआत में क्या लगाना है हमें, लेट, राइट द लेट। एंड आफ्टर दैट वी पुट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ए लेटर। एंड आफ्टर दैट वी पुट बी, एंड उसके बाद क्या लगाना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन। और फिर अपने पास से क्या लगा देते हैं हमें, बाई यू। हाँ, तो राइट ए लेटर का क्या हो गया, लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू। इस तरह से अगर हम एक और सेंटेंस की बात करें, से हो जाता है डू इट, डू इट, ठीक है। तो डू इट में क्या होगा, अब देखिए ये सब, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, जब इसको बनाएंगे। अब डू इट में भी क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर कि इसको करो, राइट ए लेटर, खत लिखो, तो ये ऑर्डर ही दिया जा रहा है, कोई इसमें सुझाव या सलाह की बात नहीं हो रही है, ना रिक्वेस्ट करी जा रही, ऑर्डर ही दिया जा रहा है। तो जब इसको बनाएंगे डू इट, तो सबसे पहले क्या लगाना है हमें, लेट, और लेट के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, लेट इट। फिर अपने पास से क्या लगाना है हमें, बी, बी ये आ गया। और फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, लेट इट बी डन, फिर बाय यू लगा देंगे। तो ये तो बन गए हमारे कौन से वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंस। तो एक बार फिर से समझ लें, जिसमें ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हमारा ऑर्डर होगा। और जब इसको बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बदल देंगे, और बाय यू अपने पास लगा देंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, और यू हमेशा छिपा हुआ रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की, जिसके अंदर रिक्वेस्ट होगी, तो उसको कैसे बनाएंगे। ये तो था ऑर्डर वाला, अब रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो पहले तो रिक्वेस्ट देखिए, ऑर्डर वाले सेंटेंस की पहचान क्या होगी, कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बट रिक्वेस्ट आप कैसे पहचानो कि इसके अंदर रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए, ठीक है, या काइंडली मिल जाए, प्लीज़ या काइंडली। तो ये सिंबल जो होते हैं वो किसके होते हैं, रिक्वेस्ट के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लीज़ होगा, काइंडली होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये होते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, प्लीज़, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ये हमारा है एक्टिव, और जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो शुरुआत में ही क्या लगा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के ये यहीं पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल ही आसान है। अपने पास से बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्लीज़ या काइंडली है तो क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसे लगा देंगे, और प्लीज़ या काइंडली होगा तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। देखिए कैसे, हाँ इससे ज़्यादा सरल कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस प्लीज़ या काइंडली होगा, बस ये देखना है कि प्लीज़ या काइंडली है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं करना, ना थर्ड फॉर्म में बदलना, ना ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आ रहे उधर लेके आ रहे, तो ये भी हमें कुछ नहीं करना। तो जैसे सेंटेंस है, प्लीज़ सिट डाउन, देखिए प्लीज़ आ गया यहाँ पे, तो प्लीज़ का, प्लीज़ किसका सिंबल होता है, रिक्वेस्टेड का, तो ये क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये प्लीज़ की जगह पे इतना पूरा आ गया। अब टू के बाद क्या लिख देंगे हम लोग, सिट डाउन, ये बन गया, ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगर हम एक और सेंटेंस की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये बन जाएगा कैसे, अब देखिए इसमें भी प्लीज़ आ गया, तो वही हो जाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी,
पूरा देखे बस, प्लीज सी यहाँ पे पूरा क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हमने बताया भी प्लीज़ या काइंडली होगा तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज़ ये हेल्प मी का क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये हमारे क्या बन गए, ऑर्डर एंड प्लीज़ वाले सेंटेंसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज के सेंटेंस में कुछ हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, आप उसको बना के दिखाइएगा और कमेंट्स करके उसको बताइएगा ज़रूर। पहला है आई फ्लाई ए काइट, एंड दूसरा है राम बीटेन मी, तीसरा है रवि हैज नॉट प्लेड ए मैच, एंड चौथा जो है वो है स्टॉप द बस, एंड पांचवा है प्लीज कॉल हर, और बस बस पांच। आप इसको बना के दिखाएं और कमेंट्स कर भी करें भी, और लास्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो हूँ एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स के सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिसमें आपको किस तरह से कंबिनेशन में आते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे, बस कैसे उसको पहचानना है। आज के लिए रखते हैं इतने ही, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।